वेलकम बैक खवतीन आजरात। और साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप हुई और उसके विनर और उसके गोल्ड मेडलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, शहजाद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं और ये आपका मेडल हमारे सामने मौजूद है जी जी। जो कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया माशाल्लाह और बड़ा नाम बनाकर आए और काफ़ी सालों से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुख्तलिफ मेडल्स लेकर आए हैं। 15 साल से ज़ायद का अपना एक्सपीरियंस इसी हवाले से है जी जी, बिल्कुल। तो पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको हम सब की जानिब से। आपकी क्या फीलिंग है, आपको कैसा लग रहा है और क्या कहना चाहते हैं? नहीं, मुझे तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी फीलिंग तो वहाँ थी जब पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया, फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी जो वेट कैटेगरी थी उसमें मैं खेला और जब गोल्ड हुआ उसके बाद जब वहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग था और गौर कौमी तराना था तो वो फीलिंग एक अलग ही थी उस टाइम पे। बहुत ज़्यादा खुशी थी कि बस मतलब ऐसा लग रहा था बिल्कुल एकदम कुछ हो गया अचानक। और ये वाकई ये मौका भी और ये आती भी चीज किसी किसी के नसीब में, जाहिर है सब तो नहीं कर सकते, हर कोई नहीं कर सकता, सही बात है कि जब आपका परचम लहराया जाए और आपका कौमी तराना बजे तो उस वक्त बड़ी इमोशनल मोमेंट होता है। ये आप जितने भी गेम्स आपने पार्टिसिपेट किया है जब भी, तो ये खुद ही से सारा कुछ आपने लाइनअप किया है, खुद ही से सब किया है? जी जी बिल्कुल, लाइनअप वगैरह तो ये मतलब हमारे जो फेडरेशन के सदर साहब हैं वो हमें मतलब इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई कॉन्टेस्ट आ रहे हैं आप तैयारी करें, और ये कि बाकी सपोर्ट भी वही करते हैं क्योंकि जब वो लेके जाना वहाँ पे वो भी एक खर्चा ही है, टिकट्स है, वहाँ की फ़ीस है, मुकाबले की फ़ीस वगैरह होती है। तो हमारे जो सदर साहब हैं टॉप सिटी के जो CEO हैं और हमारी बॉडी बिल्डिंग के सदर भी हैं कुंवर मोहित साहब हैं, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, सारा खर्चा वो सभी वही उठाते हैं, तो उनकी वजह से हम वहाँ जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनके लिए भी फिर हमारे लिए भी बहुत अच्छा होता है, अल्लाह इज्जत देता है बहुत। बिल्कुल, जब पाकिस्तान आते हैं तो ये अपनों से बहुत मोहब्बत मिलती है। और जैसे कि अभी आप देखें मीडिया काफ़ी सपोर्ट करता है मगर ये गवर्नमेंट को कुछ सपोर्ट नहीं होती है। वहाँ पे हम लोग को कोई ना एयरपोर्ट पे कोई लेने आता है गवर्नमेंट का, मतलब कोई भी एक इदारे का हमें कुछ। लेकिन ये भी जिस तरह आप कुंवर मोहित साहब की बात कर रहे हैं, मैं तो उनको पर्सनली जानती हूँ, जाहिर है ही इज अ फैमिली टू अस, तो उनका मैं ये पैशन हमेशा देखती हूँ कि वो बहुत स्पोर्ट्समैन को और बॉडी बिल्डर्स को सपोर्ट करते हैं। और ऐसे लोग अगर मेरे ख्याल में 4-5 और भी हो जाएं तो, क्योंकि वैसे तो हुकूमत की तरफ से कोई नजरसानी नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग जो जिनको अल्लाह ताला ने दिया है और वो फिर आपके आर्ट को आपके टैलेंट को देखते हुए आपको सपोर्ट करते हैं, तो आई थिंक यही हमारे मुल्क को लेकर चल रहे हैं और यही तमाम चीजें जो आप लोगों को मोटिवेट करती हैं और आगे तक। अभी 4 साल 4 दफा मैं बाहर खेलने गया हूँ, चारों दफा अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे सपोर्ट करी है, मतलब मैं तो उनका जितना शुक्रिया अदा करूँगा क्योंकि वो मतलब बॉडी बिल्डिंग को लाइक भी करते हैं, खुद भी फिटनेस करते हैं और मतलब काफी सपोर्ट करते हैं। अभी भी मतलब ये कि कॉन्टेस्ट में जाना है मैंने नवंबर के अंदर, अच्छा, तो मतलब वो तैयार हैं, वो तो कह रहे हैं मैं तैयार हूँ आप बस मेहनत करें, बाकी ये अभी आपको पता है ये। अच्छा, ये आपने मुझे बताया अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा जो आपको जो कंटेंडर वहाँ पर आपके अगेंस्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है या आपको जिसका कंसर्न होता है वो कहाँ से होता है? वो इंडिया से होता है। इंडिया से होता है, उनकी बातें सुन के या उनका स्टाइल जो भी कैरिंग स्टाइल है उसको देख के आपको लगता है कि जी ये तो बड़ा अच्छा तरीके से बिल्कुल वहाँ पर मुनज्जम तरीके से ये लेकर चलते हैं? उनका असल में फेडरेशन जो इनको सपोर्ट करती है, हमारी भी फेडरेशन सपोर्ट करती है, हमारे जो हमारे यहाँ के जो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में जो अपना सुहेल भाई हैं जो गेट स्मार्ट के ओनर भी हैं, वो हमारे को मतलब लेके जाना सारा कुछ ही उन्हीं के हाथ में क्योंकि वो उनका जो लिंक है सारा बॉडी बिल्डिंग का उन्हीं का ही है सारा कुछ, वो हमारे समझ लें यहाँ के बड़े वही हैं फोर्ड, तो ये कि वो काफ़ी मतलब सपोर्ट करते हैं। अब जो वहाँ की सपोर्ट है वो यहाँ नहीं हो सकती, जो इंडिया के प्लेयर्स जो उनको प्रोटोकॉल मिलता है वो हमें नहीं मिलता, हालांकि हम भी यहाँ पे मेडल दे रहे हैं, पाकिस्तान का एक नाम हो रहा है, मतलब सबसे बड़ी बात ये कि मेरे बराबर में 3 इंडियन थे और एक अफगानिस्तान के थे, उन 3 इंडियन को मैंने हरा के गोल्ड लिए, तो सपोर्ट तो करे कम से कम, कुछ नहीं चाहिए, रिकग्निशन तो चाहिए, एक सपोर्ट तो चाहिए, एक शाबाश की थप्पी तो चाहिए होती है, दे कम से कम आके गवर्नमेंट का बंदा आके बोले कि नहीं भाई आपने पाकिस्तान के लिए काम किया है, क्योंकि मैंने तो ये मेडल और ये अपना सब डेडिकेट आर्मी को कर दिया सारा कुछ। मैंने वहाँ पे भी इंटरव्यू दिया था तो वहाँ मैंने आर्मी के लिए सपोर्ट में मतलब बोला था, फिर भी मैं भी आर्मी चीफ से भी बोलूंगा कि हमें बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट करें ताकि हम आज हम यहाँ खेल रहे हैं, हम ओलंपिया भी जा सकते हैं, ओवरऑल भी जीत सकते हैं।
खाली एक सपोर्ट की जरूरत है थोड़ी सी। और खैर अगर इसमें देखा जाए ना तो ये बड़ी विजनरी चीजें हैं और इससे मुल्कों ने एक एक चीज को पकड़ के अपने आप की अपनी किस्मतें बदल ली हैं। टूरिज्म को पकड़ के अपनी किस्मत बदल ली है कि भाई टूरिज्म पे वो फोकस कर रहे हैं, गेम्स के हवाले से। और क्योंकि ये तमाम चीजें अगर यहाँ से बॉडी बिल्डर्स जा रहे हैं या कोई भी गेम पॉपुलर हो रही है तो बहुत से लोगों की क्यूरियोसिटी बिल्ट होती है कि हम जाके देखें कि क्या हो रहा है, लोग आना शुरू कर देते हैं आपके मुल्क में। तो ये एक बड़ा विजनरी प्लान है, लेकिन इस पे अगर सोचा जाए और काम किया जाए तभी कुछ ये ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है हम दूसरे मुल्क में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, दूसरे लोग ही कंट्रीज से उसको अपने बारे में बताएंगे, अपने मुल्क के बारे में बताएंगे, तो उनको फिर थोड़ा सा हमारे मुल्क में भी सोचेंगे कि हम यहाँ आए। अब जैसे हम लोग बैठे होते हैं, प्लेयर सारे एक साथ बैठे होते हैं, क्योंकि जब हमारा जो हॉल होता है ना जिसमें जब हम लोग तैयार होकर स्टेज पे जाते हैं तो उसमें हम लोग सारे प्लेयर सब एक साथ होते हैं, उसमें कोई पाकिस्तान का कोई वो नहीं होता कि सब एक साथ बैठे होते हैं, सब बातचीत भी कर रहे होते हैं एक दूसरे से, तो पता चलता है एक दूसरे मुल्क में क्या चल रहा है, क्योंकि वहाँ बॉडी बिल्डिंग को लेके काफ़ी सपोर्ट है सब मुल्कों में, क्योंकि वो लोग जो जीतते हैं तो उनके जो गवर्नमेंट है उनको सपोर्ट करती है, तो वो फिर इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो हम भी आगे जा सकते हैं, एक पाकिस्तान का नाम ही होना है, हम तो पाकिस्तान के नाम के लिए खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब इतनी दूर से घर से दूर जा रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए जा रहे हैं, ये बहुत टफ होता है। बॉडी बिल्डिंग आसान नहीं है, क्रिकेट के मुकाबले में बॉडी बिल्डिंग बहुत मुश्किल गेम है, क्योंकि इसमें प्रॉपर डाइट लेनी है, प्रॉपर हर चीज़ है, और फिर इसमें काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि बॉडी ख़राब नहीं होनी चाहिए, बॉडी जितनी अच्छी दिखेगी उतना हमने मार्क्स अच्छे मिलेंगे, पैसे भी आपके ज्यादा लगते हैं ना, जाहिर है वो आपने चिकन और वो चीजें जो भी खानी है और जितनी मिकदार में खानी है वो तो वो डाइट का हिस्सा होती है। वो एक रफ, अगर वैसे ही मैं आपसे पूछूं रफ, कितना एक बॉडी बिल्डर को अपने आप को मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा अपने ऊपर दिन में हो जाता होगा खाने पीने में? कम से कम 5,000। 5,000 अपने ऊपर खाने के खर्च होते हैं जी एक बॉडी बिल्डर के लिए? बॉडी बिल्डर जो मतलब इतनी इंटरनेशनल जाने के लिए, ज्यादा भी हो जाते हैं जैसे अभी हालात है मुल्क के, तो वो ज्यादा भी लग जाते हैं, कम नहीं होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, बढ़ रहे हैं ये मजीद, यानी ये पहले थोड़े कम थे फिर ज्यादा हो गए, फिर ज्यादा मजीद ज्यादा। जिस तरह चीजें महंगी होती जा रही हैं, तो आप लोग ये सब सिर्फ डाइट से ही करते हैं या कोई सप्लीमेंट्स वगैरह भी लेते हैं? डाइट्स भी है, सप्लीमेंट्स भी। देखें इतना बड़ा इवेंट खेलने जा रहे हैं बिना सप्लीमेंट्स के तो कुछ नहीं, क्योंकि वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, दीगर और होते हैं, वो भी बड़े महंगे होते हैं। सब चीज महंगी है आजकल, तो आपको पता है एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे मौसम होता है पाकिस्तान का गर्मी, फिर उस गर्मी में अपने आप को मतलब रेडी करना, बॉडी को तैयार करना बड़ा मुश्किल होता है, टफ होता है बहुत। लेकिन ये है कि आपने मुश्किलों से निमट के माशाल्लाह यहाँ तक आप पहुँच गए और अल्लाह करेगा, और देखिए रास्ते भी बनते जा रहे हैं जी जी। लेकिन ये है कि सबके लिए ये फैसिलिटी नहीं है, सबके लिए नहीं है फैसिलिटी। मतलब अब जैसे मैं मेडल दे रहा हूँ ना, तो वो जाहिर सी बात है मैं चाहता हूँ जो लड़के जो हमारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो हमारे साथ जाना चाहते हैं ना, तो वो प्रॉपर तैयारी कर कर आए और जाके वहाँ पे जाके क्या करते हैं लड़के अक्सर, ये होता है ना वो बॉडी को डिहाइड कर देते हैं, मतलब वो फिर पोजीशन नहीं आती उनकी, तो फिर वो जाहिर सी बात है जो एक हमारा स्पॉन्सर है वो कहेगा यार मैं इतनी मेहनत से भेज रहा हूँ आप रिजल्ट तो दो मुझे, रिजल्ट दे। अच्छा मैं आपसे मजीद भी बात करती लेकिन वक्त बिल्कुल यहाँ मुकम्मल हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको भी मुबारक हो और जितने लोग आपको सपोर्ट करते हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, बेहतरीन काम है, बेहतरीन स्पोर्ट है, अल्लाह ताला आप लोगों के लिए और आसानी करे। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।